भाजपा सरकार के खिलाफ 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं विधायकों की बैठक लेकर रणनीति तैयार की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज शक्ति विश्राम गृह में 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर बैठक रखी, जिसमें चंद्रपुर विधायक राजकुमार यादव, जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू सहित जिले के महिला पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में 6 माह के अंदर ही चारों तरफ भ्रष्टाचार, हत्याएं, लूट, महिलाओं पर अत्याचार, कांग्रेस के लोगों पर लगातार कार्रवाई कर जेल में डालने का काम कर रही है। कांग्रेस शासनकाल में जो कार्य स्वीकृत हुए थे उन्हें रोकने का काम कर रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का विकास करने में नाकाम है, जिसको लेकर आज बैठक की गई थी। सती जिले से लगभग 2000 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रावलपुर पहुंचेंगे। आइए सर जी, आज की बैठक में विधानसभा घेराव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज के बैठक के व्यवस्था के लिए और निर्देश के लिए माननीय गुरमुख सिंह जी होरा हमारे पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं और उन्होंने बताया जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है उसके हिसाब से कम एक विधायक 500 आदमी लेके जाएगा और उनके आने जाने की व्यवस्था भी वो करेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारे पर्यवेक्षक थे, हमारे एजेंट थे, उन सबको हम लोग लेके जाएंगे और जो निर्देश है कि एक विधानसभा क्षेत्र से 500 लेके आएँ, उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ के लोग भाग लेंगे। हमारी सुविधा ये है कि हमारे पास हमारी गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा भी यहाँ सुबेरे जन शताब्दी चलती है, जन शताब्दी से लेकर हम अपने साथियों को जाएंगे और भारी से भारी संख्या में शक्ति विधानसभा, शक्ति जिले का वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। आखिर विधानसभा घेराव करने के लिए कांग्रेसियों का मन कैसे क्यों बना? हम लोग नहीं चाहते थे कि 6 महीने के अंदर ही घेराव करें, मगर कांग्रेसियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशानी पैदा कर रही है, जगह जगह उनके काम बंद करवाए जा रहे हैं, हमारे सरपंचों के काम शुरू हो गए हैं उनको भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, गोठान का काम बंद हो गया करके गोठान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, आए दिन हमारे साथियों को पुलिस की प्रताड़ना मिल रही है, बिना अपराध के उनके साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है, उनको अंदर कर देते हैं। दूसरी बात, अनेक थानों में तरह तरह के रिपोर्ट जो आ रही है उसके हिसाब से पिंडरा में सरेआम हत्या हो रही लड़की की, बाजार में हत्या हो रही है, कोरबा में अभी पुलिस प्रताड़ना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी भी जांच चल रही है, बस्तर में हमारे ग्रामीणों को जो कि नक्सल नहीं है नक्सली बता के उनमें से 20-25 लोगों की हत्या कर दी गई, उसी तरह कवर्धा में 9-9 लोग का एक्सीडेंट हो गया, उसी तरह से बेमेतरा में आग लगी या उसमें हमारे पता नहीं कितने लोग जल के स्वाहा हो गए हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के हर एक नीतियों को बदलने की कोशिश की है, हर एक नाम बदलने की कोशिश की है और हमारे ज़माने में जो सुविधाएँ हम जब दे रहे थे, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को दे रहे थे या चाहे आम जनता को दे रहे थे, उन सब सुविधाओं को बंद किया जा रहा है, आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जा रहा है, इस तरह से जो अन्याय इन्होंने 6 महीने में किया है वो सालों साल नहीं करना चाहिए था, उसको देखते हुए कि आने वाले समय में अगर हम उनको चेताएंगे नहीं, उनको ये इस तरह के कार्यों से हम उनको उनका करतूत का अवगत नहीं कराएंगे तो अपना काम बंद नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा है छत्तीसगढ़, यहाँ शांति से, सद्भावना से, भाईचारे से हमेशा काम होते आया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सद्भावना को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की एकता को जो समाप्त करने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। ओपी चौधरी का एक बयान है महतारी वंदन योजना पर, मतलब मेरे गांव में आकर भूपेश जी को चैलेंज दिया गया है और उनका कहना है जितना विकास हम लोग कर रहे हैं आज तक कांग्रेस सरकार नहीं करी। अब भूपेश जी को उन्होंने चैलेंज दिया है तो मैं भूपेश जी से निवेदन करूंगा कि
कि महतारी वंदन योजना के बारे में तो सभी लोग कह रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा, अभी विधानसभा चलने वाली है, उसमें हम सब लोगों से प्रश्न करेंगे, उनका जवाब मांगेंगे, स्थगन लाएंगे और इस माध्यमों से जो भी कार्यक्रम बंद हुए हैं उसका हम लोगों के सामने उजागर लाएंगे। भाजपा कहती थी कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री आवास को रोक के बैठी है और जो आने के बाद लगभग साल भर डेढ़ साल हो गया, अब 6 माह हो गया, एक भी प्रधानमंत्री आवास पास नहीं हो रहे हैं। तो इसको तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग सबसे बड़े हमारे प्रचारक भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, जितने भी मीडिया आप सब लोग हैं वो देख रहे हैं कि जिस ढंग से उन लोगों ने वोट मांगा था कि हम आपके आवाज़ दे देंगे, आज तक कहीं भी मेरे गांव में भी एक आवाज़ नई स्वीकृति नहीं हुई है। जो हम लोगों ने राहुल जी के माध्यम से जो पैसे दिलवाए थे आवास योजना के, वही पैसे अब तक उनके पास पहुँचे हैं, दूसरी किस्त भी नहीं पहुँची है, कोई भी नया निर्माण नहीं हो रहा है। इन सब के खिलाफ़ पूरे छत्तीसगढ़ के में गरीबों में एक आक्रोश है, उस आक्रोश को ही हम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम 24 तारीख को ये बहुत बड़ा संघर्ष रैली भी निकालेंगे और उनकी भर्त्सना भी करेंगे।